सुबह में आज विद्युत विभाग हरकत में आया है। आज विभाग के अधिकारी व पुलिस के नेतृत्व में विद्युत विभाग द्वारा शहर के कई गली कूचे में विद्युत चेकिंग छापेमारी की गई। चेकिंग के दौरान कई बड़े लाखों के बकायेदार व कटिया चोर सामने आए। चेकिंग के दौरान लोगों में हड़कंप मचा रहा। मामला महोबा शहर मुख्यालय का है, जहां आज विद्युत विभाग के कई अधिकारी पुलिस के साथ गली कूचे में बिजली चेकिंग करते नजर आए। चेकिंग के दौरान बिजली अधिकारियों ने पुलिस के साथ जाकर गली गली मोहल्ले में चेकिंग की। चेकिंग में कई बड़े बकायेदारों व कटिया चोर सामने नजर आए। वहीं बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी का कहना है कि किसी भी दशा में कटिया चोरों को व बड़े बकायेदारों को माफ नहीं किया जाएगा और साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए अभी आगे चेकिंग अभियान जारी रहेगा। महोबा पूरे यूपी में 26 ऐसे जिले सेलेक्ट हुए हैं जहां पे लाइन लॉस ज़्यादा है। लाइन लॉस ज़्यादा का मतलब है कि बिजली चोरी या बिजली हमारी मीटर के थ्रू ना जा करके किसी और तरीके से उपयोग की जा रही है, तो इस वजह से घर घर जा करके चेक करना है, बकायेदारी पे कनेक्शन काटना है, मीटर यदि गड़बड़ हुआ तो बदलाना है। पब्लिक को से अपील है कि हर महीने पैसा जमा करे और किसी तरह की अगर कोई समस्या है, और गवर्नमेंट अभी आने वाले दिनों में शायद 2 या 4 दिन में एक नई OTS स्कीम भी ला रही है जिसमें आप शहर का बकायेदारी 12 किस्तों में जमा कर सकते हैं। आज कटिया चोरी पाई या किसी का लाखों का बिल पाएगा लगभग? जी हाँ, काफ़ी यहाँ पे सुकलाना में तो बकायेदारी बहुत ज़्यादा है। हर घर दूसरा तीसरा घर में बकायेदारी निकल रही है, 40,000-50,000 बहुत नॉर्मल है। और ये तो सुकलाना में तो अब हम 3-4 दिन कंटिन्यू आएंगे और इसको दुरुस्त कराएंगे। कटिया चोरी कहीं पाई गई? कटिया चोरी पाई गई है, जैसे आपने नाम नोट किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी।